जय हिंद मेरे शेर शेरनियों। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी, और जो भी वीडियो और एग्जाम की तैयारी कर रहा है दबा के तैयारी करें भाई, एकदम बिल्कुल लग जाए, जी जान से लग जाए। बस समय आ गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आज 10 दिन बाद आपकी सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगी, जहाँ सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगा आपको हेयरिंग डेट मिलेगी, उसके बाद अनाउंसमेंट होगा, डिसीजन होगा, डिसीजन में आप फाइनली जीतोगे और उसके बाद आपकी डेट अनाउंसमेंट हो जाएगी। जहां डेट अनाउंसमेंट हो गई आप एकदम सजग, और आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ने का, आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो कुछ बच्चों के तमाम कमेंट्स के जवाब को लेकर के आए हैं हम कि सर ऑनलाइन बेस्ट है या ऑफलाइन बेस्ट है, ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन कोचिंग करें, इन बात पर आज हम चर्चा करेंगे और बेहतरीन ढंग से चर्चा करेंगे। बुक्स तो मैंने पहले से सजेस्ट कर दी है, रणनीति भी सजेस्ट कर दी है, आज सजेस्ट करेंगे आपको ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑफलाइन कोचिंग, कौन सी सही है और कौन सी सही नहीं है, ठीक है? तो इस पर बात करेंगे। तो वीडियो के कैंडिडेट हो चाहे वो किसी भी एग्जाम के कैंडिडेट हो, ये वीडियो तो सबके लिए है, ये वीडियो बहुत सबके लिए है, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन का मतलब हो गया सबसे पहली चीज, अगर जिनको बात सबसे पहले रुचि की होती है कि आपको ऑफलाइन में रुचि है या ऑनलाइन में। ऑफलाइन का मतलब हो गया कि एक घंटा पहले तैयार होकर अच्छे से कोचिंग में जाना, टीचर का वेट करना, टीचर आएंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 10-15 लड़के होंगे, 10-15 लड़कियां होंगी, बैठकर बातें भी करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे, फिर आएंगे, आते समय आधे घंटे पैसा भी खर्च होगा, कोचिंग घर से दूर होगी, आपके कमरे से दूर होगी, आप जाएंगे आएंगे, उसमें टाइम की भी वेस्ट होगी, टाइम भी वेस्ट होगा और पैसा भी वेस्ट होगा। तो और एक होता है इस ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन की बात, हम ऑफलाइन की बात कर रहे थे। ऑनलाइन, ऑनलाइन में क्या है, अगर आपकी रुचि है टैबलेट वीडियो, टैबलेट या फ़ोन या आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे आप वीडियो देखना पसंद करते हो, तो आप तुरंत जब भी आपका समय हो, बस हाँ थोड़ा सा समय की बाध्य रहना पड़ता है, समय की बाध्य आपको तुरंत का तुरंत आप पहुंचिए, अपने टाइम पे ऑन करिए कंप्यूटर लैपटॉप, जो भी टैबलेट वगैरह सब जो भी आपके पास टेक्निकल सुविधा है आप यूज करिए और स्टार्ट हो जाइए नोट्स बनाना, डाउट कि भी क्लियर हो सकता है, उस पर डाउट भी क्लियर हो जाता है, तो दोनों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात करें अगर ऑनलाइन की, बात करें इसमें ऑनलाइन की, नंबर एक फायदे जो ये हैं वो है समय की बचत, समय की बचत, ठीक, समय की बचत। और ऑफलाइन में समय की बचत नहीं हो पाती है, समय बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है कि आपकी रुचि किस में है, आपकी रुचि वीडियो को देखने में है या फिर डाउट क्लियर आप कर सकते हो या फिर नहीं। और फायदे की बात की जाए तो इसमें आपको तुरंत डाउट क्लियर नहीं होगा, तुरंत डाउट क्लियर नहीं होगा, ओके। लेकिन इसमें तुरंत का तुरंत, अब ये भी फायदा देख लीजिए, ऑफलाइन का फायदा ये है कि तुरंत डाउट क्लियर होता है, तुरंत डाउट क्लियर, तुरंत का तुरंत डाउट क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपके सामने जो टीचर होते हैं और टीचर से आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर तुरंत के तुरंत मिल जाते हैं, ठीक है। और एक चीज और, आप ऑफलाइन क्लास में, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में आप बोर हो जाते हो, लेकिन ऑफलाइन क्लास में आप इंटरटेनमेंट करते रहते हैं, आप इंटरटेनमेंट करते रहते हैं, ठीक है, इंटरटेनमेंट करते रहते हैं। तो डिफरेंट यही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में तीन डिफरेंट्स मैंने आपको बता दिया, फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, सेल्फ स्टडी जो खुद से करना है वो आपको रिवीजन के तौर पर बेहतरीन ढंग से करना है, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग में टीचर के द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक घर आकर के आप खुद से जब तक रिवीजन नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा, और समझ तो क्या आपके
दिलो दिमाग में रुकेगा भी नहीं। यह सेम चीज़ ऑनलाइन की भी है। ऑनलाइन में अगर आपको अच्छी चीज़ें नहीं लगती तो फॉरवर्ड मोड पे भी देख सकते हो। और इसमें आपको ऑनलाइन क्लास में एक सुविधा ये रहती है कि आपके समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है। हाँ, गाइडेंस ज़्यादा ये करते हैं ऑनलाइन, और गाइड यहाँ समय थोड़ा सा बर्बाद होता है। टीचर्स भी आते हैं तो एक दिन में वो अगर एक घंटे की क्लास है तो एटलीस्ट 45 मिनट ही क्लास ले पाते हैं। 10-5 मिनट लेट आते हैं, 5 मिनट पहले चले जाते हैं, और उसमें डिस्कशन करने में खुद कहीं खुद की बात स्टार्ट हो गई या कहीं कुछ भी स्टार्ट हो गया, किसी का मैटर स्टार्ट हो गया, तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में बकवास नहीं होता, बस थोड़ा सा अगर स्टूडेंट ना चाहे तो बकवास नहीं होता है। तो आपकी तैयारी यहाँ से भी अच्छे से हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो चौथी पॉइंट ये होती है कि आपकी रुचि किस में है, आपकी रुचि किस में है, आपकी रुचि किस में है। ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे ज़्यादा फोकस करते हो, या आपको सबसे ज़्यादा समझ यहाँ से आता है या यहाँ पे। वो अलग अलग आपका आपका अपना अपना मन है, वो अलग अलग है कि आपको ये भी चीज़ें पसंद आ सकती हैं और ये भी पसंद आ सकती हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एज अ टीचर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा डिपेंड करें, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है अपने डाउट क्लियर करने के लिए। अपने एक जब भी आप सेल्फ स्टडी करें, बुक से जब कर रहे होते हैं, तो उसमें डाउट सेशन के लिए एक कापी छोटी सी रखिए, उसमें आपको जो डाउट लगे वो चीज़ नोट कर लीजिए। वो डाउट नोट करके आप गूगल भी कर सकते हो, या आपके पास ऑफलाइन ब्रांच में है तो उस सब्जेक्ट के टीचर को कॉल करके या पर्सनली जा करके मिल के उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। और ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ डाउट आपको आप कमेंट करोगे तो वहाँ कमेंट पढ़ेंगे टीचर्स, लेकिन अगर उनको थोड़ा भी इसमें प्रॉब्लम है तो वो आपका डाउट क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है, उस चीज़ को इग्नोर करके वो चले जाएंगे। तो बहुत कुछ होता है चेंज ऑनलाइन ऑफलाइन में, बहुत बिल्कुल चेंज होता है। ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कम समय में तैयारी कर सकते हो पर आप डीपली सीख नहीं सकते हैं। और ऑफलाइन में, ऑनलाइन की बात कर रहे थे, ऑफलाइन में आप समय ज़्यादा लगेगा लेकिन आप डीपली तैयारी कर सकते हो। इसमें है आपके पास समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है, और इसमें है आपके समय थोड़ा सा बर्बाद होता है, क्योंकि कोचिंग अगर जाना है, 3 घंटे की कोचिंग है, मान लेते हैं 9 बजे की कोचिंग है, तो आप 8 ही बजे से स्टार्ट हो जाते हो तैयार होना, ऑटो से जाना है, बाइक से जाना है, फिर 9 बजे आप कोचिंग पहुंचते हो, मान लो 12 बजे तक कोचिंग है, 3 घंटे की कोचिंग है, 3 घंटे में आपके 3 टीचर्स हैं, तो टीचर्स ने भी 5-5 मिनट अगर बर्बाद किए तो 15 मिनट वो बर्बाद हो जाएंगे, आपके 1 घंटा आगे के बर्बाद हो जाएंगे आपके। फिर कोचिंग बंद होने के बाद 15 मिनट बाद आप क्लास से लीव करते हो, उसके बाद आपका जो आना, घर पर पहुँचना, कपड़े चेंज करना, खाना वगैरह खाना, तो वो आपका 3 बज जाएगा, आप 3 बजे से पहले नहीं कर सकते। ऐसे में अगर मान लीजिए ऑनलाइन आपकी कोई क्लास है, आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, देखा आपने 9 बज गए हैं, तुरंत आ गए अपने ऑनलाइन क्लास करने लगे, ऑनलाइन क्लास करने के बाद आपने तुरंत अपने जगह पे हैं लेट गए, तो समय की बर्बादी यहाँ होती है और समय शेप यहाँ होता है, डाउट क्लियर यहाँ होता है, डाउट इकट्ठा यहाँ होता है। लेकिन यहाँ आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी होती है और यहाँ ज़्यादा समय में कम तैयारी होती है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क साफ है। सेल्फ स्टडी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी इतना बेहतरीन चीज़ है, इतनी बेहतरीन तरीके हैं कि आप उसमें से किसी भी टाइम पर किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के आप मोस्टली उसमें लग जाइए तो 15 से 20 दिन 1 महीने में उस सब्जेक्ट को आप धारोधार कर सकते हो। 1 महीने में मिनिमम आप उसको धारोधार कर सकते हो। उसमें ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ना उसमें आपको टीचर के डाउट की ज़रूरत होगी, बट डाउट आप क्लियर करने के लिए बस एक पेज लिए और पेज में आप अपना कुछ ना कुछ लिखते जाइए, ठीक है। तो ये था हमारा बेस्ट कौन सी जगह होती है। और वीडियो और एग्जाम के लिए भी मैं बार बार बात करता हूँ कि वीडियो के लिए आपको सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर है। आदित्य बुक को एकदम रट डालिए, फाड़ डालिए, खा जाइए, चाट डालिए, सब कर डालिए, ठीक। और घटना चक्र को रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद एक बार घटना चक्र से पढ़ने के बाद आप एक बार स्पीडी पढ़ लीजिए, वन लाइनर पढ़ लीजिए, और करंट अफेयर्स से अपडेट होते रहिए। लेकिन मास्टर रीजनिंग, जो अरिहंत की मास्टर रीजनिंग आती है भाई साहब, उसको इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो आपका सिलेक्शन करवा के ही दम लेगी, ठीक है। तो वीडियो एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैं इन दोनों से बेहतर है सेल्फ स्टडी।
सेल्फ स्टडी करेंगे तो अपडेट रहेंगे, और इन चीज़ों में आप फंसेंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन बेस्ट सब है, आपको किस में रुचि है, ऑनलाइन ऑफलाइन या सेल्फ, आप किस में सफिशियंट हैं या आपको क्या, आप किस में आप बेहतर फील करते हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज का वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस हो या इन्फॉर्मेशन हो आप तक पहुंच सके, और आप अपनी तैयारी को रोकिए नहीं, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल मत रोकिए, वो आपका, आपको सबको पता हो चुका है कि वो लगभग आपका नवंबर तक ही हो पाएगा, और आपके हिसाब से आप जब चाह रहे हो वीडियो री एग्ज़ाम कब होगा कब होगा कब, ऐसा पूछने से आपका वीडियो एग्ज़ाम पहले नहीं हो जाएगा, ठीक है, इंतज़ार आपको 10 जुलाई तक करना ही पड़ेगा। तो आज एक महीना हो गया सुप्रीम कोर्ट को बंद हुए, लेकिन एक महीने में आपने अभी ये नहीं समझ पाया कि वीडियो एग्ज़ाम कब होगा, तो आपको वीडियो एग्ज़ाम के लिए एटलीस्ट अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का इंतज़ार करना ही होगा, ठीक। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।